दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 11 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर के। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल विकास एवं सेवा पुरस्कार विभाग की समीक्षा की और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका के पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 24,473 और सहायिकाओं के 26,007 पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती किया जाना है। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है, साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर संचालित करने और किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को खुद के भवन में संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में करीब 12,800 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो किराए पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो समीक्षा बैठक हुई, यहाँ पर जो है भर्तियों की बात हुई, भर्तियों को दिशा निर्देश दिया है। करीब 50 से 51,000 पदों पर, 52,000 पदों पर भर्तियाँ हैं जो होनी है, ठीक है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं पदों की संख्या यहाँ पर मेंशन की गई है और आने वाले टाइम पर ये भर्तियाँ होंगी और इसके लिए बताया गया है कि फिर से अगले महीने इस विभाग की समीक्षा होगी और जैसा कुछ होगा उसके अनुरूप आगे कार्रवाई अगले महीने करेंगे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि UPPSC ने भेजा डाटा, कृषि भर्ती का रास्ता साफ। कृषि प्रावधिक सहायक के 3,446 पदों पर होनी है भर्ती। तो डाटा मिलने के बाद अब UPSSC जारी करेगा विज्ञापन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों का डाटा UPSSC को भेज दिया है। ऐसे में कृषि प्रावधिक सहायक के 3,446 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को UPPSC में धरना और ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को आयोग के प्रतिनिधि की ओर से यह जानकारी दी गई है। दरअसल डाटा भेजे जाने में हो रही देरी की शिकायत अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी थी। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछताछ की गई तो आयोग ने जवाब दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य प्रतिवादियों की याचिकाओं के डाटा से संबंधित कार्य लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिकता से किया जा रहा है, जल्द ही डाटा UPSSC को भेज दिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों ने मंगलवार यानी कल लोक सेवा आयोग पहुंचे, ज्ञापन दिया और जानकारी वहां से मिली कि ईमेल के माध्यम से डाटा प्रदर्शित किया जा चुका है। मंगलवार को डाटा की हार्ड कॉपी UPSSC को उपलब्ध करवा दी जाएगी। डाटा न भेजे जाने के कारण ही कृषि प्रावधिक की भर्ती फंसी हुई थी। तो 3,446 पदों पर भर्ती जो है फंसी हुई थी, फिलहाल अब इस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर कुछ आप लोग दे सकते हैं। और यहीं पर योगी जी ने अनाउंस किया कि अब तक हमने 6,00,000 नौकरी दी है, 6,00,000 सरकारी नौकरी दी है, ठीक है। तो 6 से 9 महीने में पारदर्शी तरीके से भर्ती पूरी कर रहा है UPSSC। 38,00,000 रुपये निवेश सबमिट में मिले हैं, ऐसा कुछ इनकी जानकारी दी गई। फिर भर्तियों को लेकर के इन्होंने बताया है कि 6,00,000 सरकारी नौकरी हमने दी है, कब, 6 साल में। इन्होंने कहा कि पहले आयोग के जो परिणाम होते थे 1.5 से 2 साल में आते थे, लेकिन अब 6 महीने में परिणाम आ जा रहा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स से बताओ कितनी भर्तियों का परिणाम 6 महीने में आ रहा है और कितनी ऐसी भर्तियाँ हैं जो 1.5-2 साल से लटकी हुई हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई हुई PCS भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए नोटिस जारी की गई है 10 अक्टूबर को यानी कल, और यहाँ पर बताया गया है कि इस भर्ती के लिए जो आपके आवेदन की डेट थी उसमें मॉडिफाई कर दिया गया है। तो अब फिलहाल यहाँ बताया गया, देखिए कि आवेदन करने की जो डेट है 27 अक्टूबर से बढ़ाते हुए इसको 8 नवंबर तक कर दिया गया है और त्रुटि सुधार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कर दिया गया है, बाकी शर्तें पूर्व की यथावत रहेंगी। वहीं पर लोक सेवा आयोग की तरफ से कल ये नोटिस जारी की गई जिसमें बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो PCS J की मुख्य परीक्षा तक पहुँचे थे, इंटरव्यू तक पहुँचे थे, लेकिन किसी कारण से उनका अंतिम चयन नहीं हो पाया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों का एक पैनल बनाया जा रहा है
जिसमें जो अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे थे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वो अपनी जानकारी आयोग को उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसे में आयोग क्या करेगा कि जो निजी कंपनियां होती हैं, अन्य नियोक्ता होते हैं, उनको आपका डेटा उपलब्ध करवाएगा और वहां से जो भी ज़रूरत होती है आपके रोल के अकॉर्डिंग, तो आपको वहां से जॉब दिलवाने का प्रयास करेगा। अभी इसमें पीसीएस से आपने देखा होगा हाल ही में ऐसी जानकारी मांगी गई थी, अभी ऐसी जिनको रोज़गार उपलब्ध करवाया गया है उनकी लिस्ट भी जारी की गई है। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पीसीएस जे में इंटरव्यू तक पहुँचे हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहते हैं तो आप लोग ये डाटा निर्धारित प्रारूप में मांगा गया है आपसे, इसको भर करके आप भेज सकते हैं। 20 नवंबर लास्ट डेट है। और ये न्यूज़ आज के समाचार पत्रों में भी छपी हुई है। देखिए कि पीसीएस जे 2022 के असफल अभ्यर्थियों को भी मिलेगी नौकरी। यूपीपीएससी ने अचयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में मांगी सूचनाएं। तो फिलहाल ये जो प्रक्रिया है अभी पीसीएस और पीसीएस जे में लागू की गई है, लेकिन आयोग का कहना है कि अन्य भर्तियों में भी हम इसको लागू करेंगे। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है, एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के बताया गया है कि जो एडेड जूनियर की भर्ती है फिलहाल वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इस पर जो है परीक्षण एवं प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज प्रयागराज की तरफ से कोई भी कार्यवाही सही से नहीं हो पा रही, कोई भी पैरवी नहीं हो पा रही है, इसी वजह से भर्ती फिलहाल हाईकोर्ट में अटकी हुई है। तो कल छात्रों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, बेमियादी धरना शुरू किया है। 3049 पदों पर जो भर्तियाँ 3049 एडेड स्कूलों में 1894 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने पीएनपी कार्यालय पर बेमियादी धरना शुरू किया है। इस मौके पर सीपी सिंह सिंगरौर, राहुल सिंह, सुधीर तिवारी, शिखा शुक्ला और भी कई सारे साथी थे, स्क्रीन पर आप लोग उनको देख सकते हैं। तो जो भी लोग जूनियर एडेड वाले हैं आप लोग इनका सपोर्ट करिए ताकि जल्द से जल्द आपकी जो भर्ती प्रक्रिया हो पूरी हो पाए। यहाँ पर अपडेट आ गई है कि टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के अभ्यर्थियों के बारे में बताया गया कि अधर में अटक गए ये अभ्यर्थी, खत्म होने जा रहे चयन बोर्ड के माथे पर धब्बे के रूप में अमिट रहेगी भर्ती। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के साथ ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चयन बोर्ड के माथे पर टीजीटी 2011 की बायोलॉजी भर्ती अमिट रहेगी। चयन बोर्ड ने 83 पदों के लिए 17 जून 2016 को परीक्षा करवाई थी लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया। अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोर्ट से 8 जनवरी 2023 को इसका परिणाम जारी किया गया लेकिन सभी पदों का नहीं, करीब 50 पदों का ही परिणाम जारी किया गया क्योंकि ये पद किसी न किसी माध्यम से भर गए थे। जिन पदों का परिणाम घोषित किया गया उनका इंटरव्यू नहीं करवाया गया और इसी वजह से अभ्यर्थी जो 164 अभ्यर्थी हैं अभी भी प्रतीक्षा में हैं। अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा, नया आयोग ये भर्ती करवाएगा या भर्ती विज्ञापन ही रद्द कर दिया जाएगा, अब देखना है कि होगा क्या होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान हैं और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की मांग कर रहे थे लेकिन अभी तक ये भर्ती पेंडिंग है। अंत में यहाँ पर सूचना है कि बरेली में सेना भर्ती रैली 4 दिसंबर से, यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा यानी यूएचक्यू के तहत 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में भर्ती रैली होगी। ये भर्ती अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर खिलाड़ी और अग्निवीर लिपिक के पदों पर की जाएगी। इसमें युद्ध विधवाओं के पुत्र, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व में सेवारत सैनिक, युद्ध में शहीद एवं घायल सैनिकों के पुत्र और सगे भाई शामिल होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा को छोड़ करके किसी भी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसकी ज़्यादा जानकारी जो है वेबसाइट से देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।